उनके लिए जोरदार तालियां, उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वो लोग घर घर में गांव गांव में जाकर वो दो खून देते हैं, जिसकी वजह से आज भारत क्या है, पोलियो मुक्त हो चुका है। तो वैसे जैसे कोविड का हमने वैक्सीन दिया, तो वैसे ही एकमात्र कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और दूसरा इसके लिए टेस्ट अवेलेबल है। अभी टेस्ट करने से कैंसर कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे हम सोच सकते हैं। तो ये कैंसर किस वजह से होता है, ये कैंसर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, जैसे कोविड वायरस, वायरस माना विषाणु, तो वैसे ही इसका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस होता है, जिसके वजह से जो इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन सिर्फ तली के मुंह पर नहीं होता है, इसकी छह जगह इन्फेक्शन होता है। कहाँ कहाँ होगा, ओरोफेरिंजियल गले में इन्फेक्शन होता है, फिर जो प्राइवेट पार्ट्स है जिसमें तली के मुंह को क्या कहते हैं हम, सर्विक्स कहते हैं, फिर वल्वा है, वजाइना है, लेडीज में होता है क्या सिर्फ, नहीं दोनों में होता है, जेंट्स में भी होगा, तो पिनाइल इन्फेक्शन है, फिर हमारे जो मोशन की जगह एनल, तो ऐसे छह जगह इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से मेन इन्फेक्शन होते हैं, उसके वजह से इन सब जगह पर कैंसर होने की संभावना रहती है, और घंटे में 7-8 महिलाओं की मृत्यु होती है, और इसीलिए हमें इसका अवेयरनेस सब जगह करना है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी अभी कोई भी प्रोग्राम होते हैं आप 2 मिनट इसके बारे में बात करो, एटलीस्ट 2 मिनट कि ऐसे ऐसे टेस्ट अवेलेबल है, जो भी 30 ईयर्स के बाद है आप टेस्ट कर लेना, आप वैक्सीन अपने आप खुद भी लेना, बच्चों को भी देना, बॉयज को भी देना, गर्ल्स को भी देना, कि हर एक तक जाना बहुत जरूरी है। लोगों को क्या लगता है पता है, कैंसर तो मुझे भी होने वाला, वो तो दूसरों को होने वाला है, वो तो किसी को भी हो सकता है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1, कितने केसेस होते हैं, 1,80,000 औरतों को इसके वजह से कैंसर होता है, और ऑलमोस्ट 50% औरतों की इसके वजह से मृत्यु होती है, 90,000 अभी चलो सर्वाइकल कैंसर के लिए अंदर है ना, आप टेस्ट नहीं कर सकते, अभी ब्रेस्ट के लिए आप बताओ, आपको खुद ब्रेस्ट चेक कर सकते हैं कि नहीं, तो 20-25 ईयर्स के बाद हर महीने में एक बार है ना अपना ब्रेस्ट खुद का कुछ चेक करना बहुत जरूरी, जिसको कहते हैं सेल्फलेस एग्जामिनेशन, कुछ घटाना लगती है, रेडनेस है, सूजन है, दर्द है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाकर चेक करना चाहिए, साल में एक बार डॉक्टर से जांच करना है, हर महीने में जांच करने की जरूरत है, लेकिन साल में जाकर एक बार, वो भी कभी 30-40 ईयर्स के बाद, और 40 ईयर्स के बाद जिनको पॉसिबल होगा मैमोग्राफी करना जरूरी है, एटलीस्ट हर साल नहीं किया, 2-3 साल में तो कर सकते हैं, 5 साल में तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आज उसके लिए इतना एडवांस हो चुका है, सर्जरी भी ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, आपको ब्रेस्ट रिमूव करने की भी जरूरत नहीं रहती है, अर्ली स्टेज में लेकर हम डिटेक्ट करेंगे, और उसके लिए फिर हमारे पास कीमोथेरेपी है, ड्रग्स अवेलेबल है, तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 90,000 औरतों की मृत्यु हर साल नहीं होनी चाहिए। तो ये दो जो है आप लोगों तक की अवेयरनेस फैलाओ, मैंने तो 1-1 मिनट के, क्योंकि अभी शॉर्ट वीडियो का जमाना आ गया है, तो 1-1 मिनट के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, हम इतने सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो आप जरूर ये वीडियोस लोगों तक पहुंचाए, वैक्सीन के बारे में, टेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में, फिर औरतों को और क्या क्या बीमारियां होती है, वैसे 14 परमात्मा के बच्चे तो हम सभी कौन हो गए, भाई बहन हो गए, तो किसी भी भाई के लिए और बहन के लिए हम बुरा सोचेंगे क्या, नहीं ठीक है कुछ किया, जब मैं उसको देखती हूँ ये मेरी ही बहन है, जब ये मेरी नहीं है दूसरी है तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, मेरी है अपनी है ना, तो क्या होता है हमारा मन क्या होगा उसके प्रति शुद्ध भाव, मन क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, तो मन क्या हो गया शांत हो गया, जब गुस्सा करते हो तो होना शांत हो गया, तो सबसे पहले क्या आता है गुण ज्ञान, दूसरा क्या है पवित्रता या शुद्धता, सभी के लिए अच्छा सोच रहे हो ना, पवित्रता मना अच्छा शुद्ध बनना, तीसरा क्या आ गया शांति आ गया, उसके बाद क्या सभी के लिए प्यार, सभी आत्माओं के लिए मेरे सभी के लिए क्या है, क्योंकि सभी अपने ही है, तो इसीलिए प्यार को भी होगा लेडीज को भी होगा, अभी मान लो लेडीज ने लिया है वैक्सीन भी लिया या फिर टेस्ट भी किया, लेकिन जेंट्स ने कुछ भी नहीं किया, तो जेंट्स से इन्फेक्शन किसको आएगा, लेडीज को आ जाएगा, तो इसीलिए दोनों को, तो हमारे घर में जो भी बॉयज है उनको भी ये वैक्सीन देना है, 6 मना 9 ईयर से लेकर
26 इयर्स तक बॉयज के लिए, और लेडीज के लिए क्या एज है 9 इयर्स से लेकर 45 इयर्स तक आपको ये वैक्सीन लेना है। 15 इयर्स तक जो भी बॉयज है गर्ल्स है आपको सिर्फ दो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, एक इंजेक्शन लिया फिर 6 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन। जांच का और वैक्सीन का कोई रिलेशन नहीं, आपको यदि पॉजिटिव आया है तो भी आप वैक्सीन लेना है, क्योंकि अलग अलग टाइप के है ना, आपको मान लो अदर टाइप का इन्फेक्शन हुआ आपको 68 हो सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 है और वैक्सीन जो है वो 4 के अगेंस्ट बनाए हुए हैं, एक वैक्सीन 9 के अगेंस्ट है, तो भले आपको एक इन्फेक्शन हुआ तो आपको दूसरा इन्फेक्शन होने की संभावना है, इसीलिए आपने टेस्ट किया है तो भी आपको वैक्सीन लेना है और आपने वैक्सीन लिया है तो भी आपको टेस्ट करना है ना, ये नहीं दिमाग में डालना कि मैंने वैक्सीन लिया अभी मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि कितना इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा वैक्सीन, 4 वाला क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जो रूटीनली हम लोग देते हैं, 9 वाला इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता है, तो भी कितना बाकी, मैंने कहा ऑलमोस्ट 100 है तो 100 में से कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए आपको क्या करना है वैक्सीन लेने के बाद भी टेस्ट करना जरूरी है, ये दिमाग में रखना है। तो अभी ये वैक्सीन इसका कॉस्ट कितना रहता है, ये वैक्सीन 2000 का है जो सर्वाइक सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, अभी इसमें भी हम लोग कंसेशन देते हैं 15% कंसेशन 1700 में वैक्सीन दे देते हैं, दो इंजेक्शन देना है तो भी आपको कितना 3500, अभी आप कुछ भी सारी या टेस्ट जैसे हमने कहा तो ये 3500 में कुछ नहीं आता है, और WHO ने ये रिसर्च करके प्रूव किया है कि मान लो आप 3 इंजेक्शन नहीं ले सकते हो, अब दो लेना, दो ले